हाय दोस्तों, मैं यासीन अनवर एक बार फिर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए इंटरटेनमेंट का एक नया पैकेज लेकर। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। इसमें आप देखेंगे कलीम की मासूमियत, नसीम का बचपना और हमारे तबरेज भाई का डरा हुआ चेहरा, जो डर रहे हैं कि रात में निकल के आया हूँ तो भाभी पता नहीं क्या करेंगी उनका। और साथ में देखेंगे हमारे सोहेल का बचपना, उसको सोते हुए किस तरह से परेशान किया। और सबसे बेहतरीन चीज आनंद भाई की प्रेजेंटेशन, शायद आपका दिल खुश कर दे कि उनकी प्रेजेंटेशन इतनी बेहतरीन प्रेजेंटेशन करते हैं आनंद भाई। और आप लोग मस्ती कीजिए और साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आने वाले इंटरटेनमेंट के पैकेज आपको मिलते रहें और आप लोग इंजॉय करते रहें। तो प्लीज़ इंजॉय कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू। हेलो, हाय गाइस, अभी बजे सुबह के 4 और सबको हो गए कीड़े। इसको हम लोगों ने सोने नहीं दिया, इसको जगने नहीं दिया, इसको लुंगी से लेके आए। हाँ, इस बंदे को हाफ पैंट में उठा के लाया। भाई लोग, इन लोग ने मेरे को रूम पे से लेके आए, मेरे घर वाले मेरी बजा देंगे भाई। ये देखो मेरा हुलिया, देखो मैं चड्डी पे, देखो ये देखो, घर पे से उठा के लेके आए चाय के लिए। अब हम लोग जाएंगे, चाय पियेंगे और फिर मजे करेंगे। यहाँ बजे अभी 4 और दुकानें लगभग सभी खुले हुए हैं, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हैं, एक एक करते हुए सब दुकान में घुसते हुए। देखिए, देख सकते हैं अब 4 बजा है और ये इनको तबरेज भाई को लगा है भूख। देख सकते हैं बेचारे भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ अपना रफीकुल भाई भी है, टेस्ट नहीं ये बोल रहा, टेस्ट नहीं है, पैसे खर्च बेकार के ले लिए। अभी थोड़े दूर आगे जाएंगे, चाय मिलेगा, पाकिस्तानी होटल है, पियेंगे और अनवर भाई को मिस करेंगे। है यार, इन्होंने पेट भर के खा तो लिया, अब पीना है चाय। और चाय यहाँ तो दुकान लगभग बंद ही दिख रहा है और नसीम भाई चैलेंज लगा रहे कि आगे दुकान नहीं है, थोड़ा दूर आगे चलेंगे, देखेंगे क्या है कैसा है। हमारे एक पार्टनर बिल्ली। बाकी का आप कुछ बोलना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैंने तो खा लिया, मेरा पेट भर गया। अभी चाय मिले ना मिले कोई बात नहीं, पर आनंद भाई के लिए चाय के लिए हमको जाना है आगे, तो चाय पीना है तो चलेंगे। और आज अनवर भाई का ब्लॉग मैं कर रहा हूँ, आगे से कंटिन्यू वही करेंगे। बहुत मशक्कत के बाद एक दुकान मिली है जहाँ चाय लेने के लिए कतार पे खड़े हुए तबरेज भाई और बुला रहे, देखेंगे क्या बोल सकते हैं। और देख सकते हैं आखिरकार हमको चाय मिल गई है मसरी होटल में। अभी हम चाय पीएंगे, ओके। रात के बजे 4, मेरे को घर भी जाना है, मेरे तो एल लग जाएंगे अगर घर नहीं गया तो। चलिए चाय के बाद ज्वाइन कर। बहुत मशक्कत से मिला ये घटिया वाला चाय, टी बैग वाला, कसम से हमारा चेहरा दिखाओ, चेहरा। बेगंदी चाय मैं कभी पिया नहीं हूँ, जो इसने बना के चाय दिया है तो बहुत ही गंदी है। लेकिन मैं पीता तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतनी विशेष नॉलेज नहीं है चाय के बारे में। रोबी को आप कुछ बोलोगे? एटा चा ना शरबत ना अन्य किछु। 4 बजे भाई इन लोग ने मेरे को घर पे से बुलाए, मैं अपनी फैमिली को छोड़ के आया हूँ। 4 बजे रूम पे बुलाए, बोले चाय पीने के लिए। दुकान गए खाली सब सुधरे को एल्ला एल्ला। अभी आपने रिव्यू देख लिया, कैसा था चाय का? 4 बजे कभी भी मत, दुकान आपका ये है, ये दुकान है, आप देख सकते हैं। और टी बैग वाला दूध वाला चाय तो कभी मत पीना। और लोग कलीम कुछ बोलेगा? कलीमुद्दीन अंसारी, क्या बोलना है बताइए, कुछ बोलना है? नहीं कुछ नहीं बोलना, बोला है कि आपका बचा हुआ है क्या। चलो कोई बात नहीं, आपने देसी कहावत तो सुना होगा, आम के आम और गुड्डियों के दाम। ये आप देख सकते हैं नसीम भाई से, ये हार्ट टाइप का स्टीकर बना हुआ है, इसलिए मैंने निकाल लिया। इन्होंने चाय के ग्लास पे जो हैंडल बना रहता है वो भी फाड़ लिया, फाड़ करके घर लेके जाएंगे, बोलते मुझे अच्छा लगा। क्या बोल सकते हैं? ओके गाय भाई, चलो मैं भी जा रहा हूँ घर पे सोने के लिए, बहुत टाइम हो गया, मेरे एल लग जाएंगे, तो सुबह मैडम से बात करनी है। ओके बाय, मसलाम, चलो गुड नाइट। सारे इंडिया के लिए तो सुबह होगा, गुड मॉर्निंग भी, लेकिन अभी हम जाएंगे सोएंगे। सऊदी आना बहुत बड़ा, मतलब पैसा कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं सुबह 4 बजे लोग बैठे हुए हैं, ये सब काम के आस में बैठे हुए कि आज रोटी मिलेगा नहीं मिलेगा, काम मिलेगा नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सुबह 4 बजे का टाइम है, लेकिन आप क्या बोलेंगे। लोग जो बाहर है उनको लगता होगा सऊदी आ करके तो भाई
नोट नोट छापने का हिसाब किताब हो जाता है। पहले ये डिसाइड करो मेरे को घर कौन छोड़ेगा गाड़ी में, चार बज गए भाई, घर कौन छोड़ेगा, तुम छोड़ेंगे गाड़ी में क्या कलीम छोड़ेंगे गाड़ी में? मैं छोड़ेगा बाइक से तुमको। ये बंदे ये बंदा कैसा है? ये कलीम मेरी जान है कलीम। ये बंदा इतना बड़ा गाड़ी इसके पास है, जितना इसका हाइट नहीं उससे बड़ा गाड़ी रखते है। हाँ बिल्कुल। और भगाता बहुत तेज है, 150 की स्पीड से। अभी हम लोग चाय पी के आ गए हैं और ये तबरेज भाई है और अंदर सोहेल सोया हुआ है और अभी उसके साथ प्रैंक होगा। ठीक है मुबारक।